नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल नियमित सीधी भर्ती 2018 की बात कर रहे हैं। आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने एनएम व जीएनएम के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे राज्य सरकार। या दोस्तों, एनएम के लगभग 5602 पदों और जीएनएम के लगभग 6557 पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को। साथ ही इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की यहाँ पे बात भी इन्होंने कही गई है। क्योंकि दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एनएम व जीएनएम को नियुक्ति दे राज्य सरकार, आरएलपी प्रदेशाध्यक्ष चौधरी। कोरोना के कहर के चलते स्वास्थ्य कर्मी जी जान लगाकर जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थियों को एनएम व जीएनएम की स्थायी नियुक्ति तत्काल प्रदान करें। इस संबंध में चौधरी ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री से पत्र व्यवहार किया है। यह दोस्तों, पत्र व्यवहार कर मांग पुरजोर तरीके से उठाई। स्पर्धा चौधरी ने बताया कि संक्रमण रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मी जी जान से लगे हुए, यही लड़ाई सीमा पर गोला बारूद से न लड़ी जाकर अस्पतालों में लड़ी जा रही है। जनता मजबूर व डरी निगाहों से स्वास्थ्य कर्मियों से उम्मीद लगाई बैठी है। इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार नर्सिंग कर्मियों की बढ़ोतरी कर इस सेवा को और मजबूत करे। राज्य में नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी पात्र अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देकर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करें, जिससे राज्य में संक्रमण रोगों से अधिक मजबूती से लड़ा जा सके। इन नियुक्तियों से राज्य की चिकित्सा सेवा अधिक सुदृढ़ होगी, जनता को भी त्वरित राहत मिलेगी। जी दोस्तों, इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने पर राज्य के नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक कमलेश गुजर ने आरएलपी महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी का आभार जताया। जी दोस्तों, मैं बता दूं, आरएलपी की प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने एनएम जीएनएम भर्ती 2018 की मांग पुरजोर तरीके से उठाई और इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए चिकित्सा मंत्री और डॉक्टर रघु शर्मा और सीएम अशोक जी गहलोत को पत्र लिखा है। साथ ही इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की बात भी कही गई। मैं बता दूं दोस्तों, वर्ष 2018 में लगभग 12,000 पदों पर एनएम जीएनएम भर्ती सरकार द्वारा निकाली गई थी, जिसमें एनएम के 5602 पद व जीएनएम के लगभग 6557 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन आज दिनांक तक इनमें नियुक्तियां नहीं दी गई, जिसको लेकर आरएलपी महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने सरकार से जल्द इन 12,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की लिए पत्र लिखा है और साथ ही यह भी निवेदन किया कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।